नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। अल्मोड़ा के सल्ट तहसील के मारचूला के पास कुपी क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे की जांच को लेकर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस गंभीर हादसे के बाद भतरौज खान थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज करने के साथ साथ सभी संबंधित पहलुओं पर जांच तेज कर दी है। SSP देवेंद्र पिंचा ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान में जुट गए थे। उनकी त्वरित प्रक्रिया से कई घायलों की जान बचाई जा सकी है। उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर अल्मोड़ा में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की अवधारणा और वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। क्षेत्रीय पार्टियों और संगठनों द्वारा आयोजित इस गोष्ठी में बुद्धिजीवियों ने उत्तराखंड की समस्याओं और विकास के मुद्दों पर अपनी बात रखी। उत्तराखंड में अगले साल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे। साथ ही विंटर नेशनल गेम्स भी उत्तराखंड में ही आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खेलों की पूरी तैयारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल पूरे देश में एक अनुभव लेकर जाएगा और उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर मंच मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनको बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर कम मिल रहा है। लेकिन भाजपा सरकार में खिलाड़ियों के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं की गई है। उनकी प्रतिभा को निखारने के साथ ही उनको बेहतर खेल प्रदर्शन करने का अवसर सरकार लगातार दे रही है और उत्तराखंड की प्रतिभा देश दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवा रहे हैं। कितना बदलाव सर आप देखते हैं 25 सालों में उत्तराखंड? 25 साल के अंदर राज्य तेजी से आगे बढ़ा है और बहुत सारे मामलों में जब हमारी राज्य की शुरुआत हुई थी तो हम शुरुआती दिनों में चाहे हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें, विकास की बात करें, सड़कों के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिस क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़े। एक बड़ा फासला हमने तय किया है, ये हमारे लिए प्रेरणा भी है, हमारे लिए पूंजी भी है। उसी को आधार मानकर हम अब आगे बढ़े और हम आगे बढ़ भी रहे। जैसे हमारी GSDC में कितना बदलाव सर आप देखते हैं? कुछ दिन पूर्व रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे शिवलालपुर पांडे गांव में भूमाफियाओं ने फलदार पट्टी में 180 हरे पेड़ों को काटकर अवैध कॉलोनी का निर्माण कर दिया था। मामला हाईलाइट होने पर DM नैनीताल ने जांच के आदेश दिए थे, जिस पर SDM राहुल शाह ने पूरे प्रकरण की जांच की, जिसके बाद DM वंदना सिंह ने उक्त प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए अवैध कॉलोनी की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी और फल पट्टी के पेड़ों को दोबारा बहाल करने के आदेश दिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश भर में जिला उपभोक्ता फोरम में सदस्यों की तैनाती के मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 12 नवंबर तक उपभोक्ता फोरम में अब तक की गई नियुक्तियों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 12 नवंबर की तिथि नियत की है। याचिका में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद उत्तराखंड जो सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन है उसने एक कोर्ट में आश्वासन दिया था जनवरी में कि सभी नियुक्तियां जो एडवर्टाइज की गई हैं वो 4 माह के अंदर हो जाएंगी। हालांकि वो नियुक्तियां उनके द्वारा रिकमेंडेशन कर दी गई, परंतु नियुक्तियां 4 जिलों में हुई हैं क्योंकि वैकेंसी निकाली चार ही गई थी, जबकि 13 जिलों में कंज्यूमर फोरम का प्राविधान है। तो वर्तमान में जो पर्वतीय जिले हैं वहां पर कंज्यूमर फोरम में कंज्यूमर के जो कमीशन है उनमें चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिस कारण वहाँ पेंडेंसी बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है और अन्य जिलों के जो चेयरमैन है वो उस कार्य को देख रहे हैं। याचिका में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद
पौड़ी जनपद के थैलीसैंण विकासखंड के अंतर्गत कपरौली गांव में हुए विकास कार्यों में ग्रामीणों ने धांधली व भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाकर स्थानीय ग्रामीण एवं आरटीआई कार्यकर्ता भगत सिंह रावत ने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत ली गई जानकारी में जो कार्य कागजों में दिखाए गए हैं वो धरातल पर मौजूद ही नहीं है, जिससे ग्रामीण सभा में किए गए विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का पता चलता है। ग्रामीणों का आरोप है कि रेलिंग निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, सीसी मार्ग, पुष्ता निर्माण, घी ग्रोथ सेंटर, टीन शेड निर्माण जैसे कार्यों में भी खानापूर्ति कर लाखों का गबन किया गया है। जो घी ग्रोथ है वो हमने कृषि विभाग से बनाया था आलू के लिए, आलू बीज के लिए कोल्ड स्टोर के रूप में। अब उसको जो है घी ग्रोथ में परिवर्तन करके 16 लाख, जबकि वो बना हुई बिल्डिंग थी उस पर केवल पेंट वो चूना लगा और नीचे टैच लगे, बाकी अन्य काम से कुछ नहीं हुआ। जो चार दीवारी बता रहे वो पहले का पुस्ता है, उसमें हमारे गांव की जो रेलिंग है वो ठोकी गई, उसमें जो गांव के लिए रेलिंग आ रहा है रास्ते के लिए वो ठोक रखी है, उसको 8 लाख में बता रखा है सीधा। जो रुद्रपुर की किच्छा रोड पर एक कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने बिल्डर के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया है। शहर की डायनामिक गार्डन सिटी के सिटी से परेशान लोगों ने घरों पर पोस्टर लगाकर कहा कॉलोनी में मकान बनाकर हम लोग फंस चुके हैं, ताकि कोई और इस कॉलोनी में मकान लेने से पहले सोच समझकर ही प्लान करें। पूर्वांचल के महापर्व छठ का आज समापन हो गया है। पूर्वांचल समाज की व्रती महिलाओं द्वारा उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिन तक चलने वाला लोक आस्था के पर्व छठ पूजा का आज समापन हो गया। व्रती महिलाओं ने सूर्य और छठ मैया की पूजा करके अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। नहाय खाय से शुरू हुई छठ पूजा के अंतिम दिन आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए व्रती महिलाएं सुबह से ही छठ घाटों पर पहुंच गई। रुद्रपुर में छठ पूजा के लिए 6 घाट बनाए गए थे। हर छठ घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ता दिखा। उधम सिंह नगर जनपद पुलिस ने एक बार फिर मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। रुद्रपुर के ब्लॉक रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोली लगने से बाइक सवार 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह किच्छा रोड खेड़ा में एक व्यक्ति मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे, इसी बीच बाइक सवार 2 युवकों ने उनसे सोने की चेन लूटने का प्रयास किया। शोर मचाने और लोगों को एकत्रित होता देख सवार बदमाश रुद्रपुर के लिए भाग निकले। आज सुबह कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि एक बाइक पर 2 व्यक्ति सवार हैं और उन्होंने एक महिला से चेन खींचने का प्रयास किया है। पुलिस को कंट्रोल रूम के द्वारा एक्टिवेट किया गया और आसपास के थाने, जो घटना स्थल है उसके आसपास के थानों को सूचना दी गई, जिसमें घेराबंदी की गई। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के ब्लॉक रोड पर इन दोनों बदमाशों को घेरा गया, इन्हें रोकने का प्रयास किया गया, ये नहीं रुके और पुलिस पर फायर कर दिया। आज सुबह कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के शुक्ला फार्म के पास एक विवाहिता ने फांसी के फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक महिला की शादी को 3 साल हुए थे। एसपी सिटी मनोज कात्याल ने बताया कि 112 की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचनामा कार्यवाही करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कैंप थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सुसाइड का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक 23 वर्षीय महिला द्वारा सुसाइड किया गया है। और इसमें जो है नियमानुसार, क्योंकि शादी को मात्र 3 वर्ष हुए थे, तो नियमानुसार मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा इसमें जो है पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है और बॉडी का पीएम कराया जा रहा है। और परिवारजन क्योंकि बरेली में रहते हैं, अभी तक रायबरेली से वो पहुंच नहीं पाए हैं, और जैसे वो आते हैं और जो भी आगे इसमें तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कैंप उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।